निकेतन मसौरी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के बारे में दसवीं कक्षा सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। छात्रों, जो रस हम लोग का वर्ण विषय चल रहा है, तो आज एक एक करके रस की चर्चा करेंगे। तो पहले है श्रृंगार रस, तो परिभाषित करना चाहें तो लिखिए, सर हृदय जनों के हृदय में रसावस्था को प्राप्त रति भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। गए श्याम रवि कन्या के तट औचक ही देखी राधा, औचक ही देखी तह राधा नैन विशाल भारती रूढ़ी बुझर श्याम कौन तू गोरी। इस तरह से आगे भी है, बोझर श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देख नहीं कब मुहूर्त खोली। अब ये राधा और कृष्ण अरे पृथक मिलन ही है। कोई प्रसंग है कृष्ण रवि कन्या यानी यमुना के किनारे गए, वहाँ अचानक नजर पड़ गए राधा पर, बड़ी बड़ी आँखें, और उसके ध्रुव को देख करके कृष्ण मोहित हो गए और वहाँ प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। तो ये है श्रृंगार रस है, या फिर उस वर्ष के प्रसंग में राम और सीता की आँखें चढ़ हुई, कंकन किंकिनी नकुल धुनी सुनि कहत लखन सुन राम हृदय धुनिमान मदन दंत विदिन्हा मनसा विश्व विजय करहिं। अस कहि फिरे चिते नहि ओरा सिय मुख सुसिमय नहि मुचको। वहाँ रति स्थायी भाव और प्रेम में व्यतीत हो गया, रस की धारा आने लगे। तो रति भाव अस्थाई जो है वही श्रृंगार रस में पैदा हो गया। दूसरा है तो इसमें एक और याद रख सकते हैं कि श्रृंगार का भी दो भेद हो गया है,
श्रृंगार का दो बेल हो गया, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, इसको भी प्रलंब श्रृंगार में बोलते हैं। तो संयोग श्रृंगार का मतलब नायक नायिका साथ है, वह जो प्रेमानुभूति हो रही है, प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो संयोगावस्था होती है। ये संयोगावस्था है। और नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो गए, वियोग की स्थिति हो गई। ये वियोगावस्था है। अब यहाँ जब कृष्ण गोकुल में थे, ब्रज में थे, तो वहाँ गोपियों के साथ जो प्रेम भरी बातें होती थी वो संयोग अवस्था है, संयोग श्रृंगार। लेकिन जब वो मथुरा चले गए गोपियों के बिना में व्याकुल हैं, तो अभियोग की स्थिति, तो अभियोग श्रृंगार। जैसे निश्चित दिन बरत सत नयन हमारी, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जबती श्याम सुधारी, दृग अंजन न रहत निष्वास रे कर कपोर भयकारी, पंच की यह सुखत नहीं कब हों पुर बिच बहत बना। अब वहाँ विरह की स्थिति, गोपियाँ उनकी जो व्यथा है, जो पीड़ा है, वो आंसुओं के रूप में व्यक्त हो गए। तो श्री वहां भी प्रेम, तो दो पक्ष हो गए, संयोग और वियोग। दूसरे हास्य रस, विकृत वेशभूषा क्रियाकला चेष्टा या वाणी को सुनकर वाणी को सुनकर हृदय में विनोद जनित उल्लास को हास्यरस कहते हैं। यानी जब हम अपनी हंसी को रोक नहीं पाते, कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं या कोई गीत सुन लेते हैं, तो हंसते हंसते लोग उठ जाते हैं, तो वह जो रस निकलेगा वह हास्यरस होगा। उदाहरण के लिए
विंध्य के वासी उदासी तपी व्रतधारी विंध्य के वासी उदासी तपी व्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे बिंदे के वासी दास देवी प्रतधारी महा बिंदान दुखारे और आगे पंक्ति है पल्ली शिला सब चंद्रमुखी पर से पतमंजुल कंज तिहारे किन्ने भरे रघुनायक जो करुणा कर कान को पगधारे। यानी विंध्य विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं व्रतधारी हैं बहुत बड़े तपस्वी हैं साधक हैं और नारी के अभाव में दुखी हैं। जब उनको पता चला कि भगवान राम शिलास्त्र से आ गए तो बातें याद आ गई कि हाँ कोई है शिला सब चंद्रमुखी ये अहिल्या भंडारी जो कहते थे कि वो उनके चरण रज से पत्थर नहीं बने तो यहाँ पर एक से खूबसूरत पत्थर है तो वही है शिला सब चंद्रमुखी यहाँ जो पत्थर है वे चंद्रमुखी बने हैं। पर से पद मंजू गंज दिया तो उनके पद का स्पर्श पाते ही विषय सुंदर नारी प्रिया निश्चित रूप से हंसी की बात है कि इतने बड़े तपस्वी और नारी के में दुखी है तो ये हास्य रस है। अब तीसरे है करुण रस। इष्ट के विनाश इष्ट के विनाश धर्म के आघात द्रव्यनाश से हृदय आदि में चाहे हृदय में उत्पन्न क्षोभ करुण रस कहते हैं। उदाहरण है यथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फणि करिबर कर हीना। आगे ये प्रसंग है जब लक्ष्मण को शक्तिमान लग गया और राम
जो रह मिला कर लक्ष्मण क्या तुम्हारी दशा हो गई, जैसे पंख के बिना कोई पक्षी, मणि के बिना सांप, सूर के बिना हाथी, वही स्थिति हमारी है तुम्हारे। यहां तक कहते हैं कि जो जन त्यों पर बंधु बिछोह पिता वचन मर त्यों नहीं हो। लक्ष्मण, यदि मैं जानता कि वन में ये दुर्दशा होगी तो पिता की आज्ञा में नहीं मानता। कितनी पीड़ा है, कितना दुख है, जय हो अवध प्रवन मोले नारी है तो प्रिय भाई, कौन सा मोले करके मैं जाऊंगा। जो कहें कि राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए भाई को कहा सुध विद नारी भवन परिवार हो ही जा ही जगवार ही बारा अस विचारी ये जाय होता था मेरे में जगत सहोदर भा। तो ये जो प्रसंग है अब उसको हम सुनते हैं तो हमारे मन में करुणा का भाव उत्पन्न होते हैं। अब कोई विनाश हो की खबर सुनते हैं, धर्म पराघात होता है या कोई कीमती चीज हो गए नष्ट हो गए तो मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है और जो रस की धारा प्रवाहित होती है वही करुण रस होता है। शत्रु की चेष्टाओं ललकार अपमान गुरुजनों की निंदा आदि के हर स्वरूप आदि के फलस्वरूप जागृत क्रोध हो रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण है
श्री कृष्ण के सुन वचन श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब सी सब सी अपना करतल युगल मलने लगे। करतल युगल मलने लगे संसार देखे अब हमारे संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े मृत पड़े करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। क्या कहते हैं आज तो बहुत रूप क्रोध रूप देख कर मैं तो चढ़ गया। आंखें लाल शायद पड़ रही हैं। अगर जो है खुलते हैं बंद होते हैं तो वह रूप रौद्र रूप होता है। तो शत्रु की चेष्टाओं लगातार या गुरुजनों की निंदा कोई कर दे तो हमारे मन में जो रिएक्शन होगा जो प्रतिक्रिया होती है जो भाव उत्पन्न होंगे तो वही रौद्र रस कहलाता है। अब यहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन का प्रसंग है। पहले तो समझाते हैं और अर्जुन जो है युद्ध करना नहीं चाहते क्योंकि मोह है लगता है। ये तो सब अपने पितामह भ्राता सुपुत्र मामा इन पर में बात चला। लेकिन जब उपदेश देते उसके बाद श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सर सीधे अपना बोले करतल दोनों हाथ मलने लगे युगल दोनों हाथ जोड़ा अर्थात बोले संसार देखे अब हमारे शत्रुघ्न में मृत पड़े। अब संसार देखेगा कि हमारे जो दुश्मन हैं वो युद्ध भूमि में रण क्षेत्र में किस तरह से मृत पड़े हुए हैं। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। इन पंक्तियों को सुनकर हमारे अंदर जो प्रतिक्रिया हो रही है जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं और जो रस बन रहा है वह रौद्र रस। देखकर जीवित रोग दृष्टि को यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग दे पर किरा हमें का
को देख करके हमने घोषणा कर दिया कि ये सब जो भाव हैं वो रस में परिणत होते हैं, श्री को रौद्र रस कहते हैं। अगला है वीर रस। शत्रु की ललकार पर आनंद भावना से युक्त आनंद भावना से युक्त होकर कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होने का नाम वीर रस है। और शत्रु ललकार दी, अब हम हार मानने वाले नहीं हैं, हमारे अंदर आनंद की भावना परोई और कर्म क्षेत्र में फिर गए तो वहां जो रस का संचार होगा वह वीर रस है। उदाहरण जौ हो तब अनुशासन पावो तो चंद्रमही निचोड़ निचोड़ के जो जो आदि सुधा सिरना हो कै पाताल दलों व्यालावली अमृत कुंड अमृत कुंड कही लावो
यदि भगवान कहे बाल बा हृदय तुरंत का होता है तारो विभुत भेद भर बस आनंद हरित प्रभु अंज कहो पटको नीच नीच मुसक ज्यो सब एक पाप पाप। ये प्रसंग है जब सीता सुंदर चला था और जो सर्त थी धनुष को कोई तोड़ नहीं सके, प्रतंत्र चाहने की बात थी, धनुष को उठा भी नहीं तो राजा जनक का निराश होना तो लाजमी था। और निराशा इस तरह हुई कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं नहीं जानता था कि यह धरती जो है वीरों से खाली है कि किस्मत में विवाह नहीं है, यह धरती जो है वीरों से खाली है। तो उसी समय लक्ष्मण उठते हैं, तथा हुए कहते हैं कि जो हो तब अनुशासन पाओ, यदि प्रभु श्री राम क्या क्या हो तो चंद्रमा को निचोड़ करके उसमें से अमृत ला सको, पाताल में जाकर के वहां जो प्यालावली है सर्पों की कतार है वहां जो अमृत कुंड है उसको ला सको। तो ये प्रसंग है, इन पंक्तियों को सुनकर हमारे मन में वीरता की भावना जागृत होती है, तो वह वीर रस है। जैसा कि प्रसाद ने हिमालकुतुम्ब सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वतंत्र पापकारती कमर्थ वीर पुत्र हो बढ़े चलो तो नसूर साहस। अब ये जो पंक्तियाँ हैं हमारे मन को झकझोरती और जो अस्थाई भाव है वो जागृत होता है और जो धारा कूदती है रस की तो वह वीर रस की। तो ये है आज हम लोग वीर रस तक रहने देते हैं, आगे फिर चर्चा होगी। तो प्रश्न इस डब्लू में आप लोग बना लें। श्रृंगार हास्य कर्म रौद्र एवं वीर रस के सोदाहरण व्याख्या करें। यानी श्रृंगार हास्य कौन वीर परिभाषा लिख करके उदाहरण देते उसको स्पष्ट कर देने हैं। तो आज यहीं तक, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। एच डबल फेयर कॉपी में बनाना है और साथ ही साथ 800 तक भेजना है। धन्यवाद।